एचजे न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लड़की अपने घर में सो रही थी, अचानक छप्पर में से नागिन का जोड़ा उसके बिस्तर पर आ गिरा। इसके बाद वो लड़की ने दूसरा दिन नहीं देखा। दरअसल भोपाल में घर पर सो रही लड़की के ऊपर छप्पर से अचानक नागिन का जोड़ा गिर पड़ा। अंधेरे में उठी लड़की को जोड़े में से एक जहरीले सर्प ने काट दिया। बारिश की वजह से डूब क्षेत्र में आई लड़की का घर में ही झाड़ फूंक से इलाज होता रहा और सुबह होते ही लड़की की मौत हो गई। घटना की सूचना थाना किंदरई में दी गई। एसआई ठाकुर ने बताया कि यह मामला किंदरई थाना क्षेत्र स्थित बरगी बांध के डूब क्षेत्र में पड़ने वाले गांव रोटो का है। भौरगढ़ी से रोटो गांव स्थित लड़की बबीता की सर्पदंश से मौत हो जाने की सूचना मिलने पर किंदरई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। एसआई ठाकुर ने बताया कि थाना धूमा के गांव भौरगढ़ी निवासी बबीता विश्वकर्मा गांव रोटो निवासी अपने माँ बाप के घर रहने आई थी। रात्रि के समय छप्पर में घुसे नागिन का जोड़ा बबीता के ऊपर गिर पड़ा। हड़बड़ाहट में बबीता की नींद खुली तो पैर के नीचे एक सांप के आ जाने से पैर में काट दिया। पुलिस ने बताया कि तेज बारिश के चलते डूब क्षेत्र में पड़ने वाले गांव रोटो में चारों तरफ फिलहाल पानी फैला है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से परिजनों द्वारा घर पर ही बबीता का झाड़ फूंक से इलाज शुरू कर दिया गया। सुबह होते होते जहर के असर से बबीता की मौत हो गई। सूचना पर किंदरई पुलिस नाव का सहारा लेकर रोटो गांव पहुंची और शव को लेकर घनसौर अस्पताल पहुंची, जहां मृतक का पीएम करवाया गया।